जय माई की। दतिया एक पौराणिक नगरी जिसको बसाया था भगवान श्री कृष्ण के फुफेरे भाई दंतवक्र ने। दंतवक्र जो शिशुपाल का भी भाई था। तभी से यह नगरी तांत्रिकों को आकर्षित करती रही है। दतिया में मां बगलामुखी के होने की बात तो हम सभी जानते ही हैं, किंतु बगलामुखी के साथ यहां मां धूमावती की चर्चा न हो तो यह दतिया के साथ अन्याय होगा। धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या मानी जाती हैं। इनका अभेद संबंध मां बगलामुखी से भी है। तो आइए इस परम रहस्यमयी देवी के संबंध में चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस पूरे प्रसंग में हम यह जानेंगे कि मां धूमावती का प्रादुर्भाव प्राकट कैसे और कहां हुआ, इनकी साधना किसको और कब करनी चाहिए, साधना करने वाले साधक को क्या क्या लाभ होते हैं, मां धूमावती की साधना का क्रम क्या है, किसको इनका दर्शन तक निषिद्ध है और क्यों, इनका वास्तविक स्वरूप क्या है और मां बगलामुखी से इनका क्या संबंध है। यदि आप इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो अंत तक ध्यान से सुने। नारद पांचरात और प्राण तोषणी तंत्र में कथा आती है। एक बार भगवान शिव शंकर माता पार्वती जो जगत की क्षुधा को मिटाने वाली अन्नपूर्णा हैं के साथ कैलाश पर विराजमान हैं। वहां पर माता पार्वती क्षुधा से व्याकुल होकर भगवान शिव से भोजन मांगती हैं। भगवान शिव कहते हैं कि अभी थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत माता पार्वती फिर भगवान शिव से आग्रह पूर्वक क्षुधा को शांत करने के लिए भोजन मांगने लगती हैं। भगवान शिव पुनः उनसे कहते हैं कि अभी थोड़ी और प्रतीक्षा करिए। कुछ समय और प्रतीक्षा करने के उपरांत भगवती पार्वती भगवान शिव से अपनी क्षुधा को पूर्ण करने के लिए भोजन का आग्रह करती हैं। बार बार इस प्रकार कहने के उपरांत क्षुधा से व्याकुल होकर उन्होंने अपने पति शिव को ही भूखी होने के कारण भक्ष लिया। शिव जो मृत्यु से परे है, शिव जो तत्व है, धुएं के रूप में माई के रोम छिद्रों से बाहर प्रकट हुए और कहने लगे, देवी अपने ज्ञान चक्षुओं से जरा ध्यान से देखो, मेरे बिना कोई भी पुरुष और तुम्हारे बिना कोई भी स्त्री है ही नहीं, अतः इस स्वरूप का त्याग करो, इसके उपरांत आप बगलामुखी के नाम से विख्यात होंगी। साधव्यम लक्षणम देवी कृत्यागम प्रतिव्रते एषा मूर्तिस्तव परा विख्याता बगलामुखी। शिव के द्वारा कही गई यह वाणी धूमावती और बगलामुखी के एकत्व अभेद संबंध को दर्शाती है, अर्थात धूमावती ही बगलामुखी हैं। अपने पति का भक्षण करने के उपरांत धूमावती माई का स्वरूप विधवा का है, अतः सौभाग्यवती स्त्रियां जिनका विवाह हो चुका है उन्हें इनकी साधना दर्शन नहीं करना चाहिए। धूमावती माई के स्वरूप में ही इनके शिव का पर्यवसान है, अतः इनके ऊपर किसी का स्वामित्व नहीं है। किंतु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि इनके कोई शिव ही नहीं है। तंत्र मार्ग में इनके शिव को
अघोर कहा गया है और अंगभेद से वीरेश शिव बटुक हैं, क्षिप्र गणपति हैं, अर्थात इसी क्रम से सभी साधकों को इनकी साधना करनी चाहिए। किंतु कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को उत्पन्न हुई यह देवी जिन्हें ज्येष्ठा अर्थात लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता का प्रतिरूप माना जाता है, जो स्वभाव से ही भूखी हैं, इनके अंदर वात्सल्य की कमी है। अतः ऐसा कौन सा ग्रस्त साधक होगा जो इनकी उपासना का साहस करेगा। फिर भी बिरले साधकों को इन अति उग्र स्वभाव वाली देवी की साधना किसी योग्य अभ्यासी कुलाचार से युक्त गुरु परंपरा वाले सदगुरु के सानिध्य में खरदंत सर्प अस्थि नर अस्थि की सिद्धमाला से ही करना चाहिए, अन्यथा पात्रता के बिना साधना करना भयंकर विपत्तियों को आमंत्रण देना है। कुलाचार से युक्त सदगुरु के मार्गदर्शन में साधना करने वाले साधक निश्चय ही चमत्कार पूर्ण परिणाम प्राप्त करते हैं। मां धूमावती देवी तीव्र शत्रु संहारक, दारिद्र विध्वंसनी, कलह प्रिया होने से भक्तों के शत्रुओं को तीव्रता से नष्ट करती हैं। साधकों के कलह क्लेश और दरिद्रता तो इनके परम प्रिय भोजन हैं। यह अपने भक्तों को कभी भी किसी भी संकट में फंसने ही नहीं देती, किंतु फिर भी तुच्छ भौतिक अभिलाषाओं को लेकर इनकी साधना करना उचित नहीं है। राष्ट्रव्यापी संकट होने पर, धर्म पर संकट आने पर ही इनकी साधना करना बताया गया है, किंतु मां बगला के साधकों को किंचित इनकी जप साधना आराधना तो करना ही चाहिए। साक्षात दरिद्रता की प्रतिरूप मां धूमावती की साधना करने से साधकों को मानसिक दरिद्रता, जो विशुद्ध ज्ञान के अभाव का प्रतीक है, से सदा के लिए मुक्ति मिलती है और उन्हें आत्मबोध होता है। यह स्वभाव से ही भूखी हैं, अर्थात भौतिक अभिलाषाओं की जो कभी न मिटने वाली भूख सभी साधकों को सताती ही रहती है, इनकी कृपा से इस भूख को मिटाकर साधक आत्मानंद को प्राप्त करते हैं। यह हाथ में सूर्प लिए हुए हैं, यह सभी को नीर छीर का विवेक प्राप्त करने का संकेत देता है। विवेकहीन मनुष्य तो अंधे की भांति कर्म करता है और अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचाता रहता है। इनका वाहन कौआ है। हम सभी जानते हैं कि पक्षियों में कौए की एक ही दृष्टि होती है, अर्थात इनकी कृपा से साधक एकाग्रचित होने की कला सीखता है। दक्षिण दिशा में निवास करने वाली देवी निर्वाण की प्रतीक मानी जाती है। संसार में रहकर सांसारिक अवधारणाओं से सदा के लिए मुक्त होना साधक के नूतन जन्म का प्रतीक है। मां धूमावती की कृपा से ऐसा जीवन सभी को प्राप्त हो, यही हमारी प्रार्थना है। जय माई।